So this is my Marvel of wall. I mean, wall of Marvel. इस वॉल पे जो भी चीजें है वो मार्वल की है. मेरे को पता है सारी चीजें नहीं है, बट जो भी है जितनी भी है मार्वल की है, क्योंकि आपको पता है मार्वल को मैं कितना ज्यादा प्यार करता हूँ. और इसके अलावा एक और चीज से प्यार करता हूँ मैं, जो कि इस वॉल पे नहीं है, जो कि आप मेरे दूसरे चैनल पे देख चुके होंगे, आयला जादू पे. जिसने आयला जादू को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जाके सब्सक्राइब करो और गेम्स देखो वहाँ पे प्लीज. तो मुझे गेम्स खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, और वन ऑफ माय फेवरेट गेम में आती है गॉड ऑफ वॉर, जिसकी मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5th तो खेल ही रहा हूँ अभी मैं, तो मैंने सारी पार्ट्स खेली है. और उसमें सबसे बेस्ट कैरेक्टर कौन है? क्रेटोस. अरे थंबनेल देख ही लिया होगा ना क्रेटोस का क्या मंगाया मैंने. तो वो अनबॉक्स करने के पहले व्लॉग स्टार्ट करते हैं. तो जी हां भाइयों, मैंने आप सबका स्वागत है एक नए वी लॉग में, और इस वी लॉग में हम लोग अनबॉक्स करेंगे ये. तो इसके अंदर क्या है ये तो आप जानते ही होंगे, आपने थंबनेल तो देखा ही होगा, और मैंने इतनी बार लाइव पे भी बोला है मैंने क्या मंगाया है, तो कुछ सरप्राइज तो नहीं है इसके अंदर. लेकिन ये जिस जगह से मैंने मंगाया है और इसको मंगाने के प्रोसीजर में जो मेरे को सरदर्द हुआ है ना, मैं क्या बताऊं आप लोग को, इतना तकलीफ हुआ है ना, मैं भया नहीं कर सकता सर. और इसके पेमेंट के बारे में तो पूछो मत, उसमें तो अलग ही लेवल का सरदर्द हुआ है मेरे को. लेकिन मेरे ऐसे डेली के पेमेंट्स में मेरे को इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है. फॉर माई डेली खर्चा लाइक फूड ऑर्डरिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, मेडिसिन बाइंग, आई यूज फ्रीचार्ज पे लेटर. ना कोई CVV, ना कोई OTP, जस्ट वन बिल फॉर ऑल पेमेंट्स. और इसी के साथ साथ फ्रीचार्ज पे लेटर आपके पेमेंट्स को कन्वीनियंट तो बनाता ही है, बट साथ ही साथ आपको देता है अमेजिंग कैशबैक. नाउ व्हाट कैन बी बेटर देन कैशबैक विद कन्वीनियंस. फ्रीचार्ज पे लेटर पर लिटरली आपको हर बड़े ब्रांड पे कैशबैक्स मिलते हैं. जोमेटो, स्विगी, डोमिनोज, मिंत्रा, रिलायंस फ्रेश, जेप्टो, टाटा वन एनजी, सब पर जस्ट पे विथ वन टैप एंड इट्स डन. नो OTP, नो CVV, जस्ट वन मंथली बिल फॉर ऑल योर डेली पेमेंट्स. और भी बहुत सारे बेनिफिट्स. गाइज गो एंड डाउनलोड फ्रीचार्ज नाउ और बनाओ अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस को बेटर विद फ्रीचार्ज. सो कमिंग बैक टू टॉपिक, इसको मंगाने में इतनी तकलीफ हुआ ना, मैं क्या बताऊँ. पहले तो क्या हुआ, पहले अनबॉक्सिंग देखनी है, देखने का है पैकेज के अंदर क्या है. फटफट 1 मिनट वीडियो देखने का है, रीति रिवाज भूल गए पुराने लंबे लंबे वीडियो वाले. हाँ अच्छा ठीक है बंद मत करो, पहले अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद बताता हूँ क्या तकलीफ हुआ. तुम लोगों को क्या लगा ट्रांजिशन आएगा इधर? हाँ अनबॉक्सिंग अगर ऐसे करूंगा फटाक से तो व्लॉग में दिखाऊंगा क्या? चुपचाप अनबॉक्सिंग देखो. क्या हुआ, स्लो लग रहा है? अभी तो एक एक टेप फाड़नी है, रुको रुको. This is God of War, Kratos की 11th X. ये life size है एकदम 1:1, एकदम cosplay के लिए. As compared to जितने रुपए की है ये, उस हिसाब से बहुत जबरदस्त डिटेलिंग की हुई है. फील में थोड़ी लाइट है क्योंकि PU मटीरियल से बना हुआ है, जो कि मैंने थेनोस का ब्लेड और थॉर का हैमर है वो भी उसी मटीरियल का है. ये ब्लेड जो है वो शार्प नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि PU मटीरियल का बना हुआ है. ये जो लकड़ा है वो लकड़ा नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली PU मटीरियल का बना हुआ है. और इसकी जो साइज है वो है 91 cm by 34 cm by approximately 6 cm. तो जब से मैंने 2018 की गॉड ऑफ वॉर देखी थी, तब से मैं गॉड ऑफ वॉर के पीछे पागल हो चुका था. एक्चुअली मेरे को ब्लेड ऑफ केओस चाहिए थे क्योंकि 1, 2, 3 से मेरी यादें जुड़ी हुई थी, बट 4 में जब ये इंट्रोड्यूस हुई मेरे को तब से चाहिए थी कि मेरे को एक एक्स हो. तो जब मैंने ये सब मंगाना शुरू किया मैंने बोला वाई नॉट दिस, तो मैंने ये भी मंगा लिया. मैं गॉड ऑफ वॉर का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो जब रैग्नारॉक भी आई मैंने 3 महीने पहले प्री ऑर्डर कर दिया था, ये सोच के कि आगे चल के इसका रेट ना बढ़ जाए. लेकिन सारा रेट वही रहा, तो चलेगा ठीक है ना, 3 महीना पहला पैसा दे दिया जो मेरे को बाद में देना था. और ब्लेड ऑफ केओस ऐसा नहीं है मार्केट में नहीं है, बट है, बट इतना महंगा है कि मैं क्या बताऊँ. उस महंगेपन से याद आया मैंने इसकी कहानी तो आपको बता ही नहीं. सो बेसिकली ऐसी अतरंगी चीज़ें हैं ना, मैं अली एक्सप्रेस से ऑर्डर करता हूँ, बट अली एक्सप्रेस पर मैंने जब ये 11th एक्स ढूंढा वहाँ पे मिला नहीं. सो एक दूसरी साइट है टाओबाओ करके, मैंने उस पर ढूंढने की कोशिश की. अब उस पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो पूरी की पूरी साइट चाइनीज में. तो पहले वो पूरी साइट को चाइनीज से इंग्लिश में कन्वर्ट करो, उसके बाद जब आप उस पर सर्च करते हो क्रेटोस 11th एक्स,
तब कुछ नहीं आता है क्योंकि वो आप इंग्लिश में लिखते हो, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है चाइनीज में। तो आपको गूगल ट्रांसलेटर पर जाके लिखना पड़ता है इंग्लिश टू चाइनीज, वहाँ पे आपको पूरा कन्वर्ट करना पड़ता है, जाके उसको पेस्ट करना पड़ता है, फिर सर्च करना पड़ता है, फिर आपको रिजल्ट आती है। आप उस रिजल्ट में सर्च करते रह जाओगे, इतनी अतरंगी चीज़ें आती है, आप लिखोगे एक चीज़ आएगी तीसरी चीज़, फिर मुश्किल से आपको ये चीज़ मिलेगी। और टाओबाओ पे सारे के सारे रेट्स भी चाइनीज़ में लिखे हुए रहते हैं, तो आपको एक और टैब खोलना पड़ता है जहाँ पे आप चाइनीज़ करेंसी से इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, और आपको पता चलता है कि ये जो एक्स है वो सिर्फ 800 रुपये का है, तो आप और खुश हो जाते हो, फिर आप ऑर्डर करने की कोशिश करते हो। लेकिन आप जैसे ही ऑर्डर करने की कोशिश करते हो, आपको पता चलता है ये तो इंडिया में डिलीवरी नहीं करता, आपको एक डिलीवरी एजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे ही मैंने एक डिलीवरी एजेंट ढूंढना शुरू किया, मेरे को एक एजेंट मिला चाइना शिप शॉप करके, वहाँ पे मैंने ऑर्डर किया, वहाँ पे मैंने अपना अकाउंट बनाया, 10 दूसरी चीज़ें की, और उनके गोडाउन में ये चीज़ डिलीवर हो गई, मैं और खुश हो गया। जब मैंने वहाँ पे अकाउंट बनाया था तब मेरे को वहाँ पे इतने अच्छे रेट दिखाए थे, $2, $3, $4, मतलब 150-200 रुपए में आपकी चीज इंडिया पहुंच जाएगी। लेकिन जब वहां पे मेरा ये एक्स पहुंचा, वहां पे मुझे पता चला साला यही डिलीवरी का वो लोग 7,000, 8,000, 9,000 चार्ज कर रहे हैं। साला चीज 800 की ले रहे 8,000 रुपए डिलीवरी का, मैंने बोला पागल हूँ क्या। मैंने वो रिटर्न कर दिया वहां से। तब फिर मैंने थोड़ा और ढूंढा, मेरे को एक और डिलीवरी की साइट मिली बाय एंड शिप इंडिया करके, और इस साइट से मैंने पहले भी बहुत सारी शॉपिंग की है। तब मुझसे $10 लिया जाता था और डिलीवरी के टाइम पे भी $10, मतलब $20 में मेरा काम हो जाता था। लेकिन साला इस बार जब मैं गया, मैंने चेक किया, साला $30, $2,500 रुपए और 750 घर पे डिलीवर करने का अलग लिया है। तो टोटल में मेरे को इसका प्राइस पड़ा, एक मिनट कैलकुलेट करता हूँ, 4,000 की एक्स पड़ गई मेरे को। और जो ब्लेड ऑफ केओस बोल रहा था ना मैं स्टार्टिंग में, वो मेरे को 50,000 रुपए का पड़ रहा था, पूरे साल की कमाई डालूंगा क्या इसमें। एकदम सेम। तो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है, इसको लगाऊं कहाँ पे, इतनी ज्यादा भरी हुई है दीवार, इसको कहाँ पे चिपकाऊं। जाके यही एरिया है खाली बचता है जहाँ पे ऐसा एक्स आ जाएगा। ऐसा मेरे को लगाना है इसको ऊपर था, लेकिन ऊपर थेनोस का लगा हुआ है और यहाँ पे ऐसे ये एक्स लगा हुआ है। और ठीक है चलेगा यार, ये यहाँ पे लगा देता हूँ, मस्त लगेगा। सस्ते मटेरियल का बना हुआ है। इंसान थोड़ी काटेगा उससे वो। नहीं ये नहीं 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 वो लाल है अभी तक, पूरी लाल है। एक सवाल, थोड़ी सी जगह बाकी तो लगा है। हाँ? वो देखा शमशेरा पिक्चर थी, उसमें वो लेके भागता है। नहीं नहीं अंडा नहीं टूट रहा है इसमें। नहीं नहीं ओए खराब हो जाएगा। जैसे उसमें केजीएफ में बलिदान देता ना, ऐसा बलिदान देता है। मैं शादी करना चाहता हूँ मरने के पहले। काट दे काट दे खच्चा। ये मिला ये अगर फेंका वापस आएगा क्या? 4,000 नहीं नहीं हाँ बहुत नहीं गए। ओए दे वापस 4,000 वापस दे। बहुत बड़े ये ये 4,000 सिर्फ। तो तुम सबको अच्छा लगा ना? जबरदस्त। तू एक काम कर, ये फोन रख, हम एक बार सब। नहीं नहीं नहीं, जिस तरीके से इन सबको अच्छा लगा उस तरीके से अभी लोगों से खत्म। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आप सबको पता है कि यहाँ पे तो हमें हमें तो चलेगा। थैंक यू सो मच। ओए बाय बाय, आता हूँ, रुको। और हाँ गाइस, फ्रीचार्ज दे रहा है अमेजिंग कैशबैक ऑफर्स विद पे लेटर ऑप्शन, सो गो एंड चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन नाउ। और तब तक के लिए बाय बाय।